वो स्टार्टिंग में डायरेक्ट पार्लर का काम नहीं किया, पहले मैंने फैब्रिक्स प्लस कॉस्मेटिक ओनली फॉर लेडीज रखा। वहाँ से स्टार्ट करने के बाद में थोड़ा थोड़ा करके लोगों को बताया कि मुझे ये काम आ रहा है, अपने काम को आगे बढ़ाया। तो उसमें मुझे मेरे डैडी ने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया, प्लस मेरी मॉम ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। तो बाकी फैमिली वाले तो अपोजिट हो गए थे, जैसे मेरी सिस्टर्स वगैरह, उन लोगों को ऑब्जेक्शन थी। मेरे जीजू दो चार थे, उनको भी थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, बट उन्होंने लास्ट में फेस किया। इस बीच मेरे साथ बहुत कुछ हुआ, मतलब सपोज मेरा हेल्थ इशू खुद का, फिर मम्मी डैडी का लॉस होना, उसके बाद मेरा मतलब ब्रेस्ट कैंसर कन्फर्म हुआ। तो वो एकदम शॉकिंग था उस टाइम। हम लोग सोरा गए, वहाँ पे मेरा सर्जरी हुआ, फिर वहाँ पे डॉक्टर ने बोला कि इम्पॉसिबल है तुम्हारा बचना, 1 ईयर तक या 6 मंथ तक रहेगी, डैड को बोला। एक्चुअली मेरा थर्ड स्टेज में चला गया था, तो थर्ड स्टेज में रिकवर करना तो इम्पॉसिबल था, बट मुझ में हिम्मत थी, मैंने टॉलरेट किया। मैंने डैडी को भी हिम्मत देने की कोशिश करी, बट वो लोग फिर टॉलरेट नहीं कर पाए इस बात को। तो मगर मैं बॉम्बे चली गई। बॉम्बे जाने के बाद में फर्स्ट कीमो लगा मेरा वहाँ पे, जो काफ़ी एक्सपेंसिव था उस टाइम में। तो उसके बाद मैंने वो सब टॉलरेट किया, आई घर, थोड़ा थोड़ा करके काम भी करती रही अपना, और मतलब ट्रीटमेंट भी करती रही। उसी बीच मेरे फादर की डेथ भी हो गई उसी शॉक की वजह से। उसके बाद में फिर मामा की भी डेथ हो गई, बट अल्हम्दुलिल्लाह 15 इयर्स से मैं ठीक हूँ अभी। मेरी एक छोटी सिस्टर थी, उसकी मैरिज करी, क्योंकि घर में ना बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। मेरा भाई था वो नहीं थे हमारे साथ में, और हम बहनें ही थी। हमने लाया मेरी सिस्टर के लिए एक घर जमाई, मतलब उसने हमारे साथ में बहुत फ्रॉड करना चाहा, मतलब छोड़ के चले गए मेरी बहन को 2 बच्चों के साथ। तो वो सब भी मैंने टॉलरेट किया। उसने कुछ 2-2.5 साल हमें कोर्ट में घिसाया बहुत ज़्यादा। फाइनली उसको मैंने 15 लाख पेनल्टी दी मेरी बहन को डिवोर्स देने के लिए, बट बच्चे दोनों हमने अपने पास रखे, मेरी बहन ने और मैंने। मतलब अभी तो इस टाइम बहुत सारी लड़कियाँ इस फील्ड में हैं, कुछ यहाँ से सीख के निकली, कुछ बाहर से सीख के आई, कुछ अभी बुटीक्स खोल के बैठी है, कुछ मतलब अपना बिजनेस कर रही है। अच्छी बात है, अभी ये कोई इशू नहीं है, बट जब मैंने स्टार्ट किया उस टाइम पे फेस करना बहुत ही मुश्किल था, बहुत ज़्यादा, ये हद से ज़्यादा मुश्किल था। तब सब लोग बुरका लगा के बाहर निकलते थे, शॉप खोल के बैठने की तो दूर मतलब सोचा ही नहीं था कभी किसी ने। तो ये सब के बाद मतलब मुझे लगता है कि लड़कियों को नहीं रुकना चाहिए, जो दिमाग में हो वो करो। मेरा तो पैशन था स्टार्टिंग में ही कि मैं कुछ अपना करूं, अलग करूं। फिर मेरे पास कोर्स था, डिप्लोमा था, तो मैं कर पाई अपना काम आराम से। क्योंकि उस टाइम भी मिलिटेंसी थी, तो बहुत बार क्या हुआ, मतलब बहुत सारी लड़कियों को किसी न किसी केस में तो इन लोगों ने मारा। मैंने बहुत बार मतलब आए ये लोग मेरे पास उस टाइम भी, 2 बार 3 बार 4 बार नहीं, 10-15 बार आए, उनमें से पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, घर पे रहो, अलाउड नहीं है लड़कियों का बाहर रहना। तो मैंने सीधे बोला कि मेरे को प्रॉब्लम है घर में, मेरे डैड है उनको दिखाई नहीं दे रहा, आंखों की लाइट नहीं है उनकी, मामा डायबिटीज पेशेंट है, तो आप मुझे बताओ मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा, अगर आप लोग उठाते हो तो मैं घर बैठ जाऊँगी। तो फाइनली इन लोगों ने भी मतलब देखा कि इसको नहीं है पीछे कोई, और डैड अक्सर मेरे साथ हुआ करते थे। तो फाइनली इन लोगों ने छोड़ दिया इस बात को, बोला कि ठीक है लेडीज काम है करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे कहीं भी ले जाओ। कश्मीर में रहते हैं, ऑब्वियसली थोड़ा ठीक हो गई तो सब लोगों का शादी कब कर रही हो, शादी कब कर रही हो, तो स्टार्ट हो गया। तो फाइनली मैंने शादी करी एक जगह, बट उन लोगों को मैंने प्रॉब्लम के बारे में पहले ही बोला था कि मुझे ऐसे हेल्थ इशू है, तो कुछ भी नहीं छुपाया था। 2-4 साल रही वहाँ पे, बट 2-4 साल बाद उन लोगों को इश्यू हो गया कि बच्चा नहीं हो रहा है। तो जब बच्चा नहीं हो रहा था तो फाइनली थोड़ा बहुत झगड़े स्टार्ट हो गए। उन लोगों ने उसकी दूसरी शादी करी, मैं उस टाइम बॉम्बे में थी। मुझे उसने बोला तो सही कि मैं शादी कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने बोला ठीक है कर लो। उनकी शादी दूसरी शादी के बाद
कम से कम 8 महीने बाद मैंने फिर उनके जो अंकल थे उनको कॉल किया, एडवोकेट थे वो, मैंने बोला मुझे डिवोर्स चाहिए। तो जब शादी हुई थी तो आपने जो आपका हस्बैंड था उसके सामने ये सारी कंडीशंस पता था उनको, उनको बोल दिया था कि बच्चे नहीं हो सकते शायद, तो उन्होंने उस टाइम एक्सेप्ट कर लिया, बट शायद उन घर वालों को नहीं बोला था, उन्होंने छुपा दी थी इस बात। वो सामने तो नहीं बोलते थे, पर मैं भी एक इंसान ही थी, मुझे तो फील होता था ना, मतलब पता चलता था। अगर इतना होता तो वो, मतलब अगर मैं बोलती भी उनको शादी करने के लिए, या फिर उनको घर वालों को होता है इतना कुछ, तो वो मना कर देते, बोलते कि बच्चे ज़रूरी नहीं है, तुम ज़रूरी हो। फिर धीरे धीरे फिर जब अपने हाथ से इंसान कमाना स्टार्ट करता है, फिर हमें लगता है कि लड़के और लड़के में कोई फ़र्क नहीं है, जितना काम एक लड़का कर सकता है उसे कहीं ज़्यादा तो लड़कियों में पेशेंस है, कर सकती है। बट ये है कि लड़की के कमाई का कोई वैल्यू नहीं है मुझे लगता है, चाहे वो कितना भी कमाए। लड़का अगर थोड़ा सा भी कमाए तो वो लड़का है, तो ये लोग कश्मीर में बहुत ज़्यादा है। मतलब देखो, ड्राइविंग लड़कियां कर सकती है आराम से, लड़के की तरह, लड़के से अच्छी करती है। और बिजनेस लाइन में आज कहाँ नहीं है लड़कियाँ, कहाँ पे बिजनेस नहीं चला रही है अपनी, मतलब जो पढ़ी लिखी लड़कियाँ सब इस टाइम अपना अपना बिजनेस कर रही है, छोटा बड़ा सभी कर रहे हैं। पर पता नहीं लड़के के पैसे को क्यों इतना ज़्यादा वैल्यू है, लड़की का तो कहीं नाम ही नहीं आ रहा है।